आज 370 की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हमारी पार्टी भी उसमें इंटरवीनर की तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। और जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में दो कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो हिंदुस्तान के अंदर महफूज रहेगी और हिंदुस्तान के आईन के अंदर हमें गारंटीज मिली और हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, जहां पर इंसाफ के फैसले होते हैं। और आज पूरे मुल्क में अगर आप देखिएगा कि जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान चलता था, मगर पिछले कई सालों से खासकर 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के एक पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ये मुल्क चलाया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली 370 को गैर आईनी तरीके से हटाने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हो, सपोर्ट किए गए हो, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं।